अच्छा स्टेप है, हम इसको अप्रिशिएट करते हैं एज ए PRI, हम इसको अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि सर सबसे पहले हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि लोगों की जान कैसे महफूज हो। आपने पहले ही देखा कि जो अपने असर के अंदर जो एक्सीडेंट हुआ, 40 जो है हमारी जो है जाने ज़ाया हो गई। तो अगर ट्रैफिक वाले प्रॉपरी तौर पर इसको चेक करेंगे, हमारा MVD डिपार्टमेंट है, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन है, ट्रैफिक पुलिस है, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन इसको देख रही है, बड़ा अच्छा कर रही है, क्योंकि जो लोगों के पास ये प्रॉपर देखना है कि क्या ये कागज़ों के बिना तो नहीं चल रहा है, इस ड्राइवर के पास लाइसेंस है या नहीं है। तो इसको सर ये जो है ये इसको हम अप्रिशिएबल कहते हैं कि ये अप्रिशिएट है, हमें तमाम महकमों को करते हैं कि जो हमारे DC साहब ने भी इनको कहा है कि भाई ये तमाम गाड़ियों की चेकिंग करो, इससे जो हमारा ओवरलोड है, लोग जब ओवरलोड नहीं होगा तो नेचुरली बात है कि सर एक्सीडेंट भी कम होंगे। तो ये अच्छा स्टेप है सरकार का भी और हमारे जो डिस्ट्रिक्ट में जो MVD डिपार्टमेंट है और ख़ासकर ट्रैफिक डिपार्टमेंट है, हम इसको अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि सर सबसे ज़्यादा जो है इंसान की जान जो है वो सबसे ज़्यादा कीमती है। तो अगर आपने देखा कि पिछले दिनों कितना बड़ा हादसा हो गया है, अभी लोग उस सदमे से नहीं निकल पा रहे हैं, जिनके घर के लोग चला गए, हमारी भी उनके साथ सिंपथी है कि हम भी उनके जो दुख में शाना बिशाना उनके साथ हैं। तो सर हम ये चाहते हैं कि ये अफसोसनाक हादसे ना हो, ट्रैफिक प्रॉपर से चले, कंजेशन नहीं हो गाड़ियों में, जब ज़्यादा ओवरलोडिंग होती है तो ज़्यादा नुकसान होता है, जब ओवरलोडिंग होगी तो ड्राइवर भी डिस्टर्ब होता है। तो ये बड़ा अच्छा स्टेप है, गवर्नमेंट से हम LG साहब से खासकर ये गुजारिश करेंगे कि आप ट्रैफिक के जो सर रूल है इस पर सख्ती से अमल आ जाए, क्योंकि सर लोगों को जो है ट्रैफिक रूल का पालन करना चाहिए। सर इसमें ट्रैफिक पुलिस का बहुत बड़ा रोल रहेगा कि ये जो और इसको जो है ये जो उन्होंने ड्राइव चलाई है, ये नहीं कि आज एक एक्सीडेंट हुआ तो इसको 2-4 दिन रखेंगे या 10 दिन रखेंगे तो उसके बाद ये ठंडे बस्ते में चला जाएगा। हम कहते हैं कि इसको प्रॉपरली एक रूटीन बननी चाहिए, कंटिन्यू होना चाहिए, पूरे जितने एक प्रॉपर जैसे आदमी अपने ऑफिस को लिए जाता है और इसको प्रॉपर जो है ये मॉनिटर करें, किसी को भी नहीं बख्शा जाए, चाहे उसमें कोई रसूखदार हो, चाहे कोई बड़े ऑफिसर हो, कोई भी हो ना, तो कम से कम ट्रैफिक का जो है सख्ती से अमला जाए उसमें, चाहे क्या नाम कहें लाइसेंस का मसला है, किसी को सर लाइसेंस ही नहीं है, बिना लाइसेंस की गाड़ी चलाते हैं, जब वो एक्सीडेंट हो जाता है तो सर उस पर बड़ा मसला बन जाता है कि उसका क्लेम नहीं बनता है, या गाड़ी के जो है प्रॉपर जो है कागज़ जो है वो बहुत ज़रूरी चीज़ है, वो हमारी सेफ्टी के लिए है। तो मैं इसके लिए गवर्नमेंट को यही कहूँगा कि आप प्रॉपरली जो है ये चेकिंग जो है पूरे साल बसाल चलती रही, तो कम से कम लोगों को सर एक ट्रैफिक का और MVD डिमांड का एक टेरर होना चाहिए कि अगर हम थोड़ी सी भी अगर कोई मिसबिहेव करेंगे या थोड़ा सा भी हम ट्रैफिक की खिलाफ वर्जी करेंगे तो हम पे कानूनी कार्रवाई हो सकती है। जब सर लोगों के दिमाग में ये बात बैठ जाएगी तो ये एक बड़ा अच्छा साइन रहेगा। थोड़ी स्टार्टिंग में हमको मुश्किल आएगी, लेकिन आने वाले दिनों में हमारी ट्रैफिक भी स्मूथ चलेगी और लोगों को भी कोई जानी नुकसान नहीं होगा। यहाँ के MVD डिपार्टमेंट से और DC साहब से भी ये बात की है, क्या नाम कहते हैं कि जो फार फ्लांग एरिया है, जैसे राजगढ़ है या और दूसरे अपने उखड़ाल वगैरह हाईवे पे भी कम से कम 5 से 10 गाड़ियाँ रामन डिस्ट्रिक्ट को मिलनी चाहिए, गवर्नमेंट की तरफ से जो गवर्नमेंट SRTC है वो मिल जाएगी, तो जो लोगों की सहूलत है लोगों को मिल जाएगी, लोग परेशान नहीं होंगे। तो ये DC साहब के नोटिस में है बात, मुझे लगता है कि 1-2 दिन के अंदर अंदर DC साहब भी इस पर कोई फैसला कर देंगे और मुझे लगता है कि वो गाड़ियां आ जाएंगी, क्योंकि DC साहब के नॉलेज में ये बात आ गई है कि RTC बसेस की जो है रामन में बड़ी सख्त ज़रूरत है, क्योंकि जिन लोगों के पास कागज़ नहीं थे, जो बसें चलती थी, अब तो वो बैठ गई हैं, जब तक उनके प्रॉपरी तौर पर कागज़ नहीं बनेंगे तो वो वैसे ही बैठेंगे, क्योंकि उनको पता है कि ट्रैफिक वाले जो है बहुत सख्ती कर रहे हैं, MVD डिपार्टमेंट बहुत सख्ती कर रहा है। तो हम DC साहब से ये गुजारिश करेंगे कि सर आप जल्दी से जल्दी जो है रामन डिस्ट्रिक्ट को भी कम से कम 5 से 10 बसेज दी जाए, जो कर लोगों की जो परेशानी है, खासकर ये मसला आवाम का है, लोगों को स्कूल जाना है, बच्चों का बहुत मसला है, उसके बाद उसके साथ साथ जो एम्प्लाइज अपने ऑफिसों में आते हैं वो भी टाइम पर नहीं पहुंच सकते हैं। DC साहब से ये मेरी दरख्वास्त रहेगी कि हमारी ये डिमांड है बसेज की।